पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में आयकर विभाग के खजाने में टैक्स की जोरदार बरसात होगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में आयकर विभाग जमा करने में मुरादाबाद जोन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सितंबर माह में लक्ष्य के सापेक्ष 54.2% लोगों ने ईमानदारी से आयकर जमा कर दिया। संभावना है कि इस प्रकार यही चलता रहा तो पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। आयकर विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर चौधरी अरुण कुमार सिंह के अनुसार मुरादाबाद जोन को चालू की खबर 22 तारीख में 760 करोड़ रुपए आयकर जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। सितंबर माह के प्रथम सप्ताह तक लोगों ने 228.26 करोड़ रुपए आयकर जमा किया था। इस मामले में आयकर ने 15 सितंबर तक अग्रिम कर जमा करने की तिथि निर्धारित की थी। अग्रिम कर जमा करने के लिए संयुक्त आयुक्त ने लोगों के साथ बैठकर आयकरदाताओं को प्रोत्साहित किया था। परिणाम ये निकला कि अग्रणी कर की तिथि समाप्त होने पर लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ 194.56 करोड़ रुपए जमा कर दिया। यह आंकड़ा बढ़कर 422.82 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल भी इतना आंकड़ा नहीं पहुंचा था। अभी 1 करोड़ के अधिक टर्नओवर वाले व्यापारी को ऑडिट करने के बाद 30 सितंबर तक रिटर्न भरना है। सर, मुरादाबाद जो जोन है वो अब तक 50% टैक्स जमा हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर और क्या प्रयास भी हो सकते हैं? हमारे रेंज में पिछले साल 409 करोड़ का बजट था, जिसपे टोटल कलेक्शन जो है 15 सितंबर तक 296 करोड़ हुआ था। इस बार हमारे रेंज का बजट 780 करोड़ है, जिसमें से 422 करोड़ 82 लाख रुपए का कलेक्शन अभी 15 सितंबर तक हुआ है। इस प्रकार से यदि परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल का परसेंटेज 72.4% था, इस बार वो परसेंट 54.2% रह गया। लेकिन चूँकि राशि के हिसाब से देखा जाए, अमाउंट के हिसाब से देखा जाए, तो इस बार का जो कलेक्शन है वो पिछले बार से ज़्यादा है। इसका मेन कारण है कि हमारे रेंज में जो हमारे रेंज में पूरे स्टार्ट के रेंज में जो हमारा रेंज है, जिसमें रामपुर, संभल, चंदौसी, बिजनौर, नजीबाबाद और बदायूं आते हैं, इसके अतिरिक्त मुरादाबाद और अमरोहा, तो टोटल जो हमारे कोर्ट पे पैन है वो 11 करोड़ 9 लाख पैन है, जिसमें से केवल जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करते हैं वो केवल 3,90,000 लोग हैं आज की डेट में। तो लोग जागरूक नहीं हैं, रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, चाहे वो डर के मारे नहीं फाइल करते हैं या किसी कारणवश नहीं फाइल करते हैं। तो मेरी ये अपील है कि चूंकि 11 करोड़ लोगों में से केवल 3,90,000 ही रिटर्न फाइल करते हैं, जिनसे हमें टैक्स प्राप्त होता है, रिक्वेस्ट करता हूं और अपने मुरादाबाद वासियों से, अपने रेंज के सभी वासियों से ये निवेदन करता हूं कि चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, प्रोफेशन कर रहे हों या किसी जगह सर्विस पेशा कर रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि अगर उनकी इनकम पर ईयर की इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें टैक्स अदा करना है। और जिन लोगों ने पैन केवल स्टेटस सिंबल के लिए अलाट करवाया है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो कृपया पैन सरेंडर कर दें, क्योंकि हमारे आयकर प्राविधानों में ये नहीं है कि पैन गलत अलाट किया जाए। क्योंकि उनकी इनकम नहीं है इसलिए उनको पैन लेने का कोई अधिकार नहीं है, केवल वो एसएससी पैन ले सकता है जिसकी इनकम चार्जेबल हो, जिसकी इनकम में टैक्स देना हो, वो केवल पैन ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे पैन जो है बहुत सारे लोगों ने, किसी के तो दो तीन पैन भी लोगों ने ले रखा है, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे कार्यालय में आके वो अपने पैन सरेंडर कर सकते हैं, जिनके दो पैन हैं, और जिनकी इनकम टैक्सेबल है वो अपने पैन अपने पास रखें और उसका जो है उपयोग करें और अपना ITR फाइल करें, जिससे हमारे राष्ट्र के सहयोग में अपना योगदान करें, जिससे हमारे आयकर में वृद्धि हो। मैं यही मेरी अपील है।